नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को फतेहाबाद के शहीद स्मारक पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। चीन के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को फतेहाबाद में शहीद स्मारक पर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। चीन के खिलाफ एक सख्त एक्शन की भी मांग की। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व विधायक एवं सीपीएस प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने तथा पूर्व विधायक जनरल सिंह कांग्रेस की महिला विंग की प्रधान कृष्णा पुनिया प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अरविंद शर्मा सहित दर्जनों संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज पहली बार एकजुट नजर आए फतेहाबाद में सभी गुटों के कांग्रेसी। इस दौरान कांग्रेस के सभी गुटों के नेतागण पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कहा कि चीन ने भारत में घुस करके जिस तरह से आक्रमण किया है उसी भाषा में सरकार को जवाब देना चाहिए, सेना को खुली छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरी कांग्रेस देश की सेना के साथ खड़ी है और देश का नागरिक सेना के जज्बे को सलाम करता है। वहीं कांग्रेस के नेता विनीत पूनिया ने कहा कि कांग्रेस बहाने सरकार के चीन के मुद्दे को फटकाना चाहती है और देश की जनता को चाहिए कि विदेश की सरकार से जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता उनसे जवाब मांगे कि देश में चीन ने घुसपैठ कैसे की। सरकार को अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सेना के साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और सरकार कड़ा जवाब देने के लिए चीन को तैयार रहे। आप देखें पल-पल की एक खास रिपोर्ट। सारी कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख के अंदर जिस तरीके से चाइना ने बहुत ही एक कायराना हरकत करके और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए उसकी बदौलत सारे देश में बड़ा दुख और आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है। तो कांग्रेस पार्टी आज सारे देश के अंदर 11 से लेकर 12 बजे तक उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा करके उनको पुष्प अर्पित कर रही है और सारे देश की एकता का प्रतीक देते हुए कांग्रेस पार्टी सारी हिंदुस्तान की जो हमारी फौज है उसके हम सारे साथ हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी से एक बड़ा भारी सवाल इसके माध्यम से पूछना चाहती है कि चाइना 5 मई से ही हमारी सीमा के अंदर एंटर कर गया तो मोदी सरकार ने चाइना को कैसे एंटर करने दिया हिंदुस्तान के अंदर, इस बात का जवाब सारा देश चाहता है और ये जवाब हमें चाहिए। और इसकी बदौलत ये हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, आज हम सब चाहते हैं कि उनका बलिदान जो है वो बेकार नहीं जाना चाहिए और बड़े भयंकर तरीके से इस बात का बदला भी लेना चाहिए और जो हमारी चीन के अंदर चीन घुसाया है उसको बहुत जल्द वापस अपनी सीमा में धकेलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग है। और एक बार पुनः हमारे जो 20 जवान संतोष बाबू जी हमारे कर्नल साहब के साथ जो शहीद हुए उनको हम बहुत ही अश्रुपूर्ण और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और देश की फौज के साथ आज सारा कांग्रेस जन तो है ही है, सारे देश की जनता का हर व्यक्ति आज हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ा है और हम किसी भी कीमत में फौज का मनोबल जो है वो डिगने नहीं देंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम है। ये तो आपके सामने है कांग्रेस का जहाँ तक संबंध है राहुल गांधी जी का, आप पिछले 1 महीने से लगातार ट्वीट देख लो, 1 महीने से लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश में एंटर कर चुका है, इतने एरिया में आ चुका है, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं माना। और 15-16 जून की जो रात थी उसमें ये सारी पोजीशन क्लियर होगी ना, तो इसलिए जवाब तो सरकार को देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो एक ही बात है, हम आज भी कहते हैं कि अगर सरकार कोई भी फैसला लेगी चीन के खिलाफ, जो भी एक्शन लेगी उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तय दिल से सरकार के साथ है और हमारी फौज के साथ है। पूरा देश शहीदों के साथ है, सेना के साथ है, देश के हर एक एक सैनिक के साथ है। आज का मुद्दा, आज का मौका आपसी राजनीति करने का नहीं है। आज का मौका है हम देश, पूरा देश पार्टी से ऊपर उठ के देश के साथ खड़े हों, सैनिकों के साथ खड़े हों, सेना के साथ खड़े हों। लेकिन हमारी जो सरकार है वो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। उसको आज जो फुर्सत नहीं है कि देखे कि चीन क्या कर रहा है, आज भी उनका पूरा ध्यान कांग्रेस पर है। किसी तरह कांग्रेस को बदनाम करो, किसी तरह कांग्रेस पे कोई ना कोई कमियां ढूंढो,
हम कह रहे हैं लड़ाई कांग्रेस से नहीं लड़नी, देश को लड़ाई चीन से लड़नी है, हमारी जो भूभागीय अखंडता है उसकी रक्षा करनी है, और उसके लिए हर एक कांग्रेसमैन, हर एक कांग्रेस का साथी देश के साथ खड़ा है। ये जो दुष्प्रचार सरकार कर रही है, सरकार को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। और मैं कहूँगा कि भाजपा को खासतौर पर हर रोज़ नए गड़े मुर्दे उठाने की कोशिश करते हैं, कभी 62 की बात करते हैं, कभी और कोई बात करते हैं। देश आज 2020 में खड़ा है और भारत की सेना कभी भी कमज़ोर नहीं रही है, आज भी कमज़ोर नहीं है, और हम हर समस्या का हर कोई भी हम पे आक्रमण करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और आज जो मुद्दा है देश के साथ खड़े होने का है, आज भाजपा को राजनीति करने से बाज आना चाहिए।